हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी जैसे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो चलिए देखते हैं CCS यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट 2023 ब्रेकिंग न्यूज। आज की बड़ी खबर, वो खबर क्या है, इस लेटर जो आज लेटर जारी किया गया, इस लेटर को हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए लेटर की तरफ चलते हैं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की तरफ से यह लेटर जारी किया गया। यह है आपका 4/9/2023 में लेटर जारी किया गया, यानी 4 सितंबर 2023 में लेटर जारी किया गया और 4 सितंबर को ही हम आपके लिए बता रहे हैं। विज्ञप्ति क्या है, UGC PhD रेगुलेशन 2016 एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2022 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विषय शारीरिक शिक्षा, कौन सी विषय है, शारीरिक शिक्षा में PhD में प्रवेश हेतु अर्हत अभ्यर्थियों से इस कार्यालय पत्र दिनांक शोध 1405 दिनांक 9/9/2022 शोध 2259 दिनांक 11/1/2023 एवं विज्ञप्ति संख्या 2520 दिनांक 9/2023 द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त किए गए थे। अवमुख श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य की प्रवेश परीक्षा दिनांक 3/4/2022 को आयोजित कराई गई थी। प्रवेश परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों एवं अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 17/6/2023 को आयोजित कराए गए थे। साक्षात्कार के उपरांत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में PhD में प्रवेश हेतु औपबंधिक रूप से अर्हत पाए गए अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है, यानी जो ये लेटर है इसके साथ वो सूची संलग्न है। हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन का, यानी किन किन विद्यार्थियों को इसमें नंबर आया है और कौन कौन की एडमिशन हो सकता है। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 8/9/2023 तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित शोध विभाग में प्राप्त 11 बजे से 12 बजे के मध्य अपने समस्त अभिलेखों यथा आवेदन फॉर्म की प्रति, प्रवेश पत्र की प्रति, समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं आरक्षण श्रेणी इत्यादि की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति के साथ कोर्स वर्क हेतु निर्धारित फीस का ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट रिसीट जमा करें। उक्त तिथि तथा अभिलेख व कोर्स वर्क फीस जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उनके प्रवेश पर भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों हेतु उपलब्ध है। अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की अर्हता के अनुसार ही चयन हेतु पात्र होंगे। तो ये थी आज की न्यूज़। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी जैसे की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन को आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन है शारीरिक शिक्षा में जो PhD कर रहे हैं उनकी एडमिशन की डेट आ गई है। जो साक्षात्कार में क्वालिफाइंग किए थे उनका इस लेटर में नाम है। तो जिन जिन साथियों का इसमें नाम आया है उनको आपको बताने वाले हैं कि ये साथी हैं जो अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, फॉर्म नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, ये आपके इस तरीके से दे रखा। जैसे पहला है फेल नंबर पे 1113052226039, ये इनका रोल नंबर है। नाम है पुनीता शर्मा, क्या पुनीता शर्मा, इनके पिताजी का नाम है सोमदेव शर्मा। तो इस तरीके से आप अपना इसमें नाम देख लें, यदि आपका नाम आया हो तो आप इसे में आराम से देख सकते हैं। इसकी PDF को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नाम देख लें ताकि आपको ये पता चल जाए जो PhD सारे शिक्षा से करना चाहते हैं उनके एडमिशन की डेट आ गई है, जो साक्षात्कार दिया था उनका रिजल्ट आ गया है, आने के बाद उनका एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो चलिए यहीं तक, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।